चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान अब पीओके के मुद्दे पर भारत को खुली चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत को उकसा रहा है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि उसे जल्द ही पीओके खोने का डर है। पीओके को वापस हासिल करने की भारत की जिद के आगे अब पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ पीओके पहुंचे, उसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को पीओके लेकर पहुंचा है। पाकिस्तान ओआईसी के एक प्रतिनिधि मंडल को पीओके की सैर पर लेकर निकला है, ताकि एक बार फिर वो इस संगठन के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश करे कि पीओके पर नजर डालना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान को शायद ये गलत फहमी है कि भारत उसकी इस बचकानी हरकत से डरेगा। भारत ने पीओके को वापस लेने के लिए जो दिन और तारीख तय की होगी, पीओके उसी दिन भारत में शामिल होगा। फिर चाहे पीओके में ओआईसी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचे या फिर पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत। आपको यह भी बता दें कि जिस दिन भारत ने पीओके पर हमला कर दिया, उस दिन ओआईसी सिर्फ बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपको बता दें कि भारत ने अपनी कूटनीति के चलते ओआईसी के ही कई देशों को अपनी तरफ कर रखा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत पीओके पर हमला कर देता है तो खुद ओआईसी इस मामले पर बट जाएगा। बहरहाल पीओके की सैर पर निकले ओआईसी प्रतिनिधि मंडल ने वो पुल भी देखा जिसका इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान व्यापार और यात्रा के लिए करते थे। इस पुल से होने वाले व्यापार को पाकिस्तान ने 2019 में बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने इस पुल को बंद करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी इसलिए मारी थी क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। मजे की बात देखिए कि पीओके पहुंचने के बाद भी ओआईसी प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। ओआईसी को पीओके के लोग नहीं दिखे जो पाकिस्तान की वजह से भुखमरी की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन ओआईसी को भारतीय कश्मीरियों की चिंता है। आपको बता दें कि ओआईसी कश्मीर के मुद्दे को लेकर शुरू से ही पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। ये संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कई बार जहर उगल चुका है। इस बार भी इस संगठन ने वही किया। वैसे सोशल मीडिया पर अब कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रतिनिधिमंडल को कुछ साल बाद फिर यहां आना चाहिए जब यह इलाका भारत में होगा, क्योंकि ओआईसी के इस प्रतिनिधि मंडल को तभी पता लगेगा कि विकास असली मायनों में क्या होता है।